दोस्तों यहाँ काफ़ी सोल्स नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से गुजर रही हैं या फिर लेस कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट होने के बाद भी हमारी फेमिनाइन ने अपने मैस्कुलाइन का साथ नहीं छोड़ा है, उनसे कनेक्ट रही हैं, उनसे कम्युनिकेशन करने की बहुत सी फेमिनाइन ने ट्राई भी किया है, बस उनसे बात करना चाहती हैं। वहीं मैस्कुलाइन ऊपर से खुद को बहुत ही सख्त, हार्ड या रूड दिखा रहे हैं, यह भी शो कर रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, सो साइलेंट है। हालांकि इस रिलेशनशिप को लेकर उन्हें दुख भी है। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, तो यहाँ बहुत सी फेमिनाइन उन्हें मनाने की कोशिश भी कर सकती हैं, और जो नहीं कर रही हैं तो मैस्कुलाइन को यही लग रहा है कि फेमिनाइन अब इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैस्कुलाइन उनसे रूठें, दूर चले जाएं या सेपरेट हो जाएं। यहाँ बहुत सी फेमिनाइन उनसे नाराज़गी, उनकी नाराज़गी दूर करने की और उनके वापस से ठीक होने का, उनकी लाइफ में आने का वेट कर रही है। फेमिनाइन चाहकर भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन काफ़ी टाइम से साइलेंट है, कोई एक्शन रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आ रहा है, ना ही कोई क्लैरिटी वह दे रहे हैं, जिस कारण फेमिनाइन को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो बेचैन हो उठती है, परेशान होती है, जो गहरा लव है उनमें, बट सामने से कोई क्लैरिटी या जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो खुद ही उससे दूरी बना रही है। फेमिनाइन की दूरी ने मैस्कुलाइन को परेशान कर रखा है, फेमिनाइन उनसे दूर जाती जा रही है, मैस्कुलाइन उन्हें देखते भी हैं, स्पाई भी करते हैं, जो भी इशू चल रहे हैं उसे रिसॉल्व करना चाहते हैं, जैसे वो हार गए हैं, अब रूठना मनाना उन्हें दुखी कर रहा है। कभी फेमिनाइन की तरफ से और कभी मैस्कुलाइन की तरफ से काफ़ी टाइम से यह साइकिल चल रहा है। फेमिनाइन के एफर्ट न लगाने का या उनकी दूरी या ना देखने से हमारे मैस्कुलाइन को भी दुख लग रहा है, बुरा लग रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा वह परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत, घाव बने हुए हैं, जैसे हमारे बहुत ही करीबी हमसे दूरी बनाएं, आपसे दूर जाए, उससे काफ़ी दुख उन्हें हैं। अब छोटे छोटे बोल उन्हें भी, छोटी छोटी बातें भी उन्हें परेशान कर रही हैं। वहीं फेमिनाइन ने इस रिश्ते में बहुत सहा है। मैस्कुलाइन जान गए हैं कि जब से फेमिनाइन ने उनसे दूरी बनाई है या इस कनेक्शन के लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रही है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, खुद को प्रायोरिटी दे रही है, सेल्फ लव में है। फेमिनाइन को इस एनर्जी में देखकर मैस्कुलाइन परेशान है, और हमारे मैस्कुलाइन को फील हो रहा है कि पहले फेमिनाइन उनकी बातें उनके बिहेव से ही इमोशनल हो जाती थी, बट अब फेमिनाइन इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो अपने प्यार की भीख उनसे नहीं मांग रही है। मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को बदलता देख टेंशन में आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि फेमिनाइन क्या चाहती है और वो जो दिखा रही है वो कितना सच है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो अपनी लाइफ में क्या बदलाव ला रही है। अब फेमिनाइन अपनी लाइफ में बिजी रहने की कोशिश भी कर रही है, पास की एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रही है, अपने मैस्कुलाइन से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, तो मैस्कुलाइन परेशान हो रहे हैं, अपनी फेमिनाइन पर ही उनका फोकस बना हुआ है, पैशनेट एनर्जी उनमें आ रही है, बट दुखी भी हैं, उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन अपनी लाइफ में खुद को बैलेंस कर लेती है। अगर मैस्कुलाइन ने उन्हें नो कॉन्टैक्ट दे दिया है तो खुद ही आगे बढ़ रही है, खुद को बैलेंस कर रही है। रातों को इस रिश्ते के बारे में मैस्कुलाइन सोचते हैं। एक्शन वाले मोड पर अभी हमारे मैस्कुलाइन नहीं हैं, चाहे फेमिनाइन को बात करनी हो, कॉल मैसेज करना हो, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते। एक पेन को वो काफ़ी टाइम से झेल रहे हैं, जिस कारण भी उन्होंने बहुत से पेन फेमिनाइन को दिए हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर फेमिनाइन को हर्ट करते
जा रहे हैं, इग्नोरेंस से भी फेमिनाइन को काफ़ी हर्ट करते जा रहे हैं, बट यह इग्नोरेंस अब सेपरेशन का रूप लेती जा रही है। दोनों के बीच जो बॉन्ड था वो चेंज हो रहा है। एक लाचारी हेल्पलेस वो खुद को पाते हैं, जो भी उनके पेन का कारण है, उन्होंने जितना डीप कनेक्शन अपनी फेमिनाइन के साथ फील किया है वैसा कनेक्शन उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं किया है, ना ही वो कर पाते और ना ही फ्यूचर में कर पाएंगे। अपनी इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव बदलाव वो चाहते हैं, जिसके लिए वो गॉड से प्रे भी करते हैं। वो अपनी लाइफ की चेंजिंग को ना तो समझ पा रहे हैं और ना ही फेमिनाइन को, फेमिनाइन में जो बदलाव आ रहा है उसे नहीं समझ पा रहे हैं। फेमिनाइन जहां बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करती थी, आज प्रैक्टिकल हो रही है। अपने मैस्कुलाइन से बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ पेन हमारी क्यूट फेमिनाइन को मिले हैं, उसके बावजूद भी वो खुद को बैलेंस कर रही है। अपने जीवन में जो वो चाहती है वो कर रही है और अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ ले जा रही है। यह एक डीप लेवल का कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है। यह हमारे मैस्कुलाइन को फील होता है, जहां बहुत से मैस्कुलाइन इस जर्नी को भी समझ रहे हैं, जहां वो ऐसी भी कोई जर्नी होती है नहीं मानते थे, बट यह रिश्ता चाहकर भी सुधर नहीं पा रहा है। पहले छोटे छोटे इशू, फिर इग्नोरेंस और फिर सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, बस यही चलता जा रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि यहाँ हमारे मैस्कुलाइन के चक्रास इनबैलेंस हैं और उनका ऑरा नेगेटिव हो रहा है। उनके अराउंड ऐसा कोई पर्सन है जो उन्हें किसी न किसी प्रॉब्लम्स की तरफ धकेल रहा है। वो अपनी ओवरऑल लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, ना सिर्फ फेमिनाइन या लव कनेक्शन बल्कि और लाइफ। वो कोई भी डिसीजन लेने की या एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं है। वो बस अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं। वो चाहते हैं उनकी लाइफ स्मूथ हो, जो उथल पुथल उनकी लाइफ में मची है वो ठीक हो जाए। ऐसे में वो फेमिनाइन के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, काफ़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं हमारे मैस्कुलाइन, या मटेलिक चीज़ों में, या फिर उन्होंने किसी लालच में या बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बहुत सारे बदलाव अपनी लाइफ में लाए हैं। यहाँ दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, जिससे मैस्कुलाइन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स में धकेला हुआ है। लीगल इशू भी यहाँ हो सकते हैं। इस थर्ड पार्टी ने मैस्कुलाइन की एनर्जी लेवल पर, मैस्कुलाइन को एनर्जी लेवल पर चेंज किया है, जिस कारण से फेमिनाइन को अपने मैस्कुलाइन बदले हुए नज़र आते हैं। वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। फेमिनाइन के साथ उनका जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके चक्रास ब्लॉक हैं। मैस्कुलाइन के लाइफ में जो बदलाव आ रहा है उसे वे समझ नहीं पा रहे हैं। फेमिनाइन जहां बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करती थी, आज प्रैक्टिकल हो रही है। अपने मैस्कुलाइन से बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ पेन हमारी क्यूट फेमिनाइन को मिले हैं, उसके बावजूद भी खुद को बैलेंस कर रही है। अपने जीवन में जो वो चाहती है वो कर रही है और अपनी लाइफ को ग्रोथ की ओर लेकर जा रही है, क्योंकि उनके चक्रास ब्लॉक हैं, मेन बेस चक्र। वो खुद को लेकर सेल्फ डाउट की एनर्जी में आ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन की लाइफ में जो बुरा चल रहा है उसकी वजह से वो ही हैं। उनसे लग रहा है कि उन्होंने फेमिनाइन को कभी सुख नहीं दिया, तकलीफ़ ही दी है, जिस कारण भी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, गिल्ट में हैं। उसे एक्सप्रेस करते हैं, उनकी ऑल ओवर लाइफ में इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं कि वे अपनी लाइफ में उलझते जा रहे हैं। फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखने के बावजूद भी एक्सप्रेसिव नहीं हैं। वो अपनी फेमिनाइन के साथ वापस आना चाहते हैं, फिर से उन पलों को जीना चाहते हैं, बट पैसे ही जैसे ही आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्टी की तरफ से कोई ना कोई इशू क्रिएट हो जाते हैं। यह थर्ड पार्टी मैस्कुलाइन को लेकर पॉजिटिव नहीं है, अपने बारे में ही सोचती है, अपना मतलब उनसे निकालती है। मैस्कुलाइन अपनी मर्जी से नहीं बदल रहे हैं, बल्कि ऐसे हालात उनके साथ बनाए गए हैं जिसमें थर्ड पार्टी का
भी हाथ हैं, वो अपनी एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें बस यही लग रहा है कि हालात ही बदल रहे हैं, समय ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ डार्क एनर्जी के कारण भी उनमें चेंजेस आ रहे हैं। मैस्कुलाइन अपनी फेमिनिन के साथ ही खुद को कंप्लीट फील करते हैं। वो समझते हैं कि जो प्यार फेमिनिन ने दिया है वो कोई नहीं कर सकता। उस प्यार को वो फिर से जीना चाहते हैं। फेमिनिन के साथ परमानेंट रीयूनियन चाहते हैं, बट कोई एक्शन नहीं ले पाते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने फेमिनिन की तरफ एक्शन लिया तो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर मैस्कुलाइन ने उन्हें कोई प्रपोजल रखा भी तो वो फेमिनिन उसे नहीं समझेगी। मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी के इरादों को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो गलत है। उनके अराउंड ऐसे लोग हैं जो हमेशा उन्हें इरीटेट करते रहते हैं। यह लोग उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचने नहीं देते, जिस कारण इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बार बार हमारे मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी की तरफ रुख मोड़ लेते हैं और फेमिनिन को अकेला छोड़ देते हैं, बट यह कहीं भी चले जाएं, हमारे मैस्कुलाइन का दिल कहीं नहीं लगता, क्योंकि यहाँ फेमिनिन के साथ एक ट्रू सोल कनेक्शन है जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, जिसे वो भाग नहीं पाते। चले तो जाते हैं बट लौट कर आ जाते हैं। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी के साथ जो भी बातचीत होती है वो भी फेमिनिन से हाइड करते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी हावी हो रही है इस टाइम, जिस कारण यह फेमिनिन की इंतज़ार करा रहे हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट फेमिनिन को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ना ही फेमिनिन मैस्कुलाइन को। भले ही दूर भाग रहे हैं बट फेमिनिन को बताना चाहते हैं कि वो किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। थर्ड पार्टी है तो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा काफ़ी इशू चल रहे हैं। उनका मन परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। भले ही फेमिनिन से दूर भाग रहे हैं बट बात करना चाहते हैं, अपनी मजबूरी परेशानी उन्हें बताना चाहते हैं। उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। मैरिड है तो वहाँ भी बातचीत नहीं है, लड़ाई झगड़ा है। फेमिनिन का सोच कर परेशान है, हालत ख़राब उनकी हो रही है, फाइनेंशियल इशू भी उनकी लाइफ में चल रहे हैं। किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा है क्योंकि अपनी खुशियों से उन्हें दूरी बना ली है। जो डिवाइन ने कनेक्शन उन्हें दिया था उसी से वह दूरी बना ली है, तो इशू तो होंगे ही। इन फ्यूचर वो इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे, कनेक्शन कम्युनिकेशन करेंगे, ज़िंदगी भर का साथ देंगे या कमिटमेंट देंगे। इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए फिर से वह एफर्ट डालेंगे, क्योंकि यह फेमिनिन के बिना नहीं रह पाते हैं, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाते, उन्हें छोड़ नहीं पाते, और फ्यूचर में फेमिनिन की तरफ वह आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप यह एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। अगर यह एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और रीयूनियन क्लेम करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।